फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक बोगनविलिया प्लांट की केयर, इसके मैनेजमेंट और साथ में इसके प्रोपोगेशन के ऊपर में है। बोगनविलिया प्लांट का नाम बोगनविलिया 1700 सेंचुरी में एक प्रसिद्ध नाविक और खोजकर्ता थे लुइस एंथोनी डी बोगनविले, उनको सम्मान देने के लिए प्लांट का नाम बोगनविलिया रखा गया। बोगनविलिया प्लांट का ग्रोइंग पीरियड गर्मियों के समय में रहता है। ये प्लांट जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना अच्छे से ग्रो करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। विंटर्स का समय इसके पूरे तरीके से डॉर्मेंसी का होता है और बारिश के समय में इस पर फ्लावरिंग आना पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो करीब 4 महीने का होता है, जो कि फरवरी से लेकर जून तक के आसपास का होता है, जिस समय टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। इसको 40 डिग्री के आसपास तक का टेम्परेचर बहुत आसानी से सूट कर जाता है और इसमें प्लांट पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। बोगनविलिया प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसी कारण से इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है। प्लांट के अंदर में हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती है। इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, तो आपको सॉइल के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब इसकी टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखे तब आपको इसके अंदर में वाटरिंग करनी है, नहीं तो इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको एसिडिक सॉइल पसंद है तो आपको सॉइल के अंदर में एसिडिक लेवल भी बैलेंस करके रखना जरूरी होता है, जिससे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। बोगनविलिया प्लांट को प्रूनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्लांट की जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतनी इसके अंदर में नई ग्रोथ निकल के आएगी। साथ ही फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो नई ग्रोथ होती है उसी के अंदर में न्यू फ्लावर्स निकल के आते हैं और इसका शेप भी सही रहता है। तो इसके आकार को बराबर रखने के लिए और इसमें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको प्रूनिंग करते रहना जरूरी होता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं या आप सर्दियों के बाद में पहली बार प्रूनिंग करना चाहते हैं तो सही समय इसका स्प्रिंग का होता है, जो पूरे साल में सबसे सही समय होता है इसकी प्रूनिंग करने का। इस समय पर आप प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और न्यू शूट्स का, न्यू ग्रोथ का डेवलपमेंट इसमें बहुत तेज़ी से होता है और प्लांट बहुत जल्दी हरा और भरा हो जाता है। बोगनविलिया प्लांट का पॉटिंग सॉइल तैयार करना भी बहुत आसान है। इसका पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको सॉइल के अंदर में 30% सॉइल लेना है, साथ में 30% सैंड लेना है, 30% कंपोस्ट लेना है, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग का मैन्योर ले सकते हैं। अगर आपको लीफ कंपोस्ट अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसके अंदर में हमें 10% कोकोपीट ऐड करना है, जो कि एसिडिक सॉइल को बनाए रखने में मदद करेगा। और इसके अंदर में 1 ग्राम हमें फंगिसाइड पाउडर डालना है, जो कि फंगस की समस्या से प्लांट को बचाने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, बोगनविलिया प्लांट पे ग्रोथ बहुत तेज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए इसे कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। सो हमें महीने में एक बार इसे कंपोस्ट जरूर देना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, इसे हमें वीक में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए, जिससे प्लांट में ग्रीनरी और फ्लावरिंग दोनों बनी रहती है। बोगनविलिया प्लांट पे आमतौर पे पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है, लेकिन अगर इस पे पेस्ट का अटैक देखने को मिल रहा है जैसे कि मिलीबग, तो आपको यहाँ पे नीम ऑयल का यूज़ करना है। लेकिन अगर नीम ऑयल से पेस्ट का अटैक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर मूव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लांट को सेफ रखने के लिए। बोगनविलिया प्लांट की रिपोर्टिंग हमें 2 साल में एक बार जरूर करना चाहिए, इससे प्लांट में ग्रोथ बनी रहती है और साथ ही मिट्टी के चेंज हो जाने से रूट्स के अंदर में वापस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ जाती है। तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको इसे 2 साल में एक बार रिपोर्ट जरूर कर देना चाहिए। गर्मियों के समय में प्लांट पे अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आप इसके अंदर में NPK 19-19-19 का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पूरे तरीके से सेफ होता है प्लांट पे यूज़ करने के लिए। अगर आप उसका 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर में प्लांट के अंदर में वाटरिंग करते समय डालते हैं तो प्लांट में आपको ग्रोथ के साथ में ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी और अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट को बूस्ट भी करेगा। बोगनविलिया की कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। मैंने तीनों ही प्लांट कटिंग से ग्रो करे हैं। इसे मैंने बारिश के समय में ग्रो किया था। कटिंग को ग्रो करने के लिए करीब 6 इंच की आपको एक कटिंग ले लेनी है, जिसपे नीचे 45 डिग्री एंगल पे एक शार्प कट लगा देना है। कटिंग को आपको 10 मिनट तक के लिए कम से कम फंगिसाइड के पानी में डुबोना है, जिससे फंगस की समस्या आपके कटिंग पे नहीं लगे। इसके साथ में फ्रेंड्स, आपको 50% कंपोस्ट 50% सैंड ले लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर में 3 इंच तक कटिंग को आपको दबा देना है।
वाटरिंग करने के बाद में उसे शेड में रख देना है। करीब एक महीने में आपको न्यू ग्रोथ दिखने लग जाएगी। जिस भी कटिंग से आपको ग्रोथ दिख रही है उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, और दिखने के बाद में तुरंत उसे रिपोर्ट नहीं करना है कि आप उसे सेपरेट कर दें या रिपोर्ट कर दें, इससे आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। जब तक उसमें कुछ इस तरीके से 3 या 4 नोड नहीं दिखने लग जाए और न्यू ग्रोथ करीब इतनी बड़ी नहीं दिखने लग जाए, तब तक आपको उसे सेपरेट नहीं करना है। सेपरेट करने के बाद में आपको उसे करीब 1 हफ्ते तक छांव में ही रखना है। फिर इसके बाद में आपको उसे करीब 15 दिन तक पार्शियल शेड में रखना है, जिसमें उसको 2 से 1 घंटे की सुबह सुबह की धूप मिल सके और बाकी दिन वो ब्राइट लाइट में रहे। ऐसा करने के बाद में जब करीब 15 से 20 दिन का समय हो जाए और आपकी कटिंग सेपरेट होने के बाद में स्टेबल दिखने लग जाए, तो फिर उसे आप फुल सनलाइट में रखें। कटिंग को लगाते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको प्रिकॉशन के तौर पे हाथ में ग्लव्स या कुछ भी ऐसा पहन के रखना है जिससे इससे जो लिक्विड निकलता है वो टॉक्सिक होता है, वो आपके हाथों में नहीं लगे। और इसके साथ में आपको दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि इस प्लांट से बच्चों को इस प्लांट से दूर रखना है, साथ में पेट्स को भी इस प्लांट से दूर रखना है। ये एक टॉक्सिक प्लांट होता है, इसके अंदर में कांटे होते हैं जो कि खुजली जलन जैसी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के स्पेशल टिप की, और आज का स्पेशल टिप ये है कि अगर आप अपने प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो प्लांट पे आपको वाटरिंग मीडियम रखनी है। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर में वाटरिंग करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर में ग्रीनरी रहेगी, जिससे रूट्स के डैमेज होने का डर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप वाटरिंग इसके अंदर में मीडियम रखते हैं, टॉप सॉइल को 1 से 2 इंच चेक करने के बाद में ही पानी देते हैं, तो इससे प्लांट के अंदर में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अच्छी फ्लावरिंग होती है तो प्लांट सुंदर भी दिखता है। साथ ही फ्रेंड्स, गर्मियों का समय इसकी ग्रोइंग पीरियड होता है, लेकिन इस समय में भी अगर प्लांट के अंदर में फ्लावरिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को अप्लाई करना रहेगा, जैसे कि नारियल का पानी, अनाज का पानी, इसके साथ में चाय पत्ती जो कि रॉ टी होती है, और इसके साथ में कोकोपीट, इन सभी को आप पानी में मिक्स कर दीजिए और इसके बाद में छान के और आप इसमें डाल सकते हैं। ये एक होम रेमेडी है जो कि फ्लावरिंग को बूस्ट करने में बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ में शेयर भी करें, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।